हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ गुड डे। आप सबका दिन बहुत बढ़िया जाए। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होलिका दहन। आप सबका होली बहुत बेहतरीन जाए। जो भी आपकी विश है ज़रूर पूरी हो इस होली। जो भी निगेटिविटी है आपके लाइफ में, इस होलिका दहन वो जल कर पूरा राख हो जाए, ठीक है। और पॉजिटिविटी आए आपकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में। तो आज सुबह की रीडिंग है आपकी पर्सन का मॉर्निंग थॉट्स। आज सुबह आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो वॉइस पर ज़्यादा ध्यान मत दे सर, ठीक है। हमेशा ऐसा मेरे साथ होता है, जब भी मैं काफ़ी थका हुआ होती हूँ, काफ़ी टायर्ड फील करती हूँ, नींद में होती हूँ, तो ऐसा होता है हमेशा मेरे साथ, ठीक है। इस वजह से मुझे कई लोगों का कमेंट का सामना भी करना पड़ा है। बोलना नहीं आता आपको, आपकी आवाज़ समझ ही नहीं आती। एनीवे, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन का मॉर्निंग थॉट्स, क्योंकि मॉर्निंग में हमेशा आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं हम। आज सुबह आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मैं काफ़ी बिजी थी गाइस, बहुत 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 बिजी थी मैं, ठीक है। जिस वजह से यस मैं सो नहीं पाई, बट आप सब ऐसा कभी मत किया करो, ठीक है। सही से नींद लें, अपना ख्याल रखें, सही से सही टाइम पे सोना उठना, खाना पीना अपना अच्छे से ख्याल रखा करें, ओके। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका मॉर्निंग थॉट्स क्या है, क्या है आपके पर्सन का मॉर्निंग थॉट्स। एज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। 11 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करने के बारे में सोचते हो, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे कहीं से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन कोई और कंट्री, सिटी, प्लेस, अपने वर्क, अपने कैरियर की वजह से रहते थे, ठीक है। तो होली पर ये पर्सन मुझे अपने होम टाउन, अपने होम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे, आपसे मिलने के बारे में ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। आपको मैसेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच तो रहे हैं आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, करते हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। आपके पर्सन आपको विश कर सकते हैं, ओके, होली विश कर सकते हैं आपको, होता है तो ज़रूर बताएं। एनर्जी मुझे यही मिला है कि पर्सन आपको करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। किसी तरह का ऑफर दे रहे हैं आपको, और क्या सोच रही पर्सन आज सुबह आपके बारे में। डेफिनेटली गाइस, आपके बारे में पूछताछ करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। आपके कॉमन फ्रेंड्स या जो आपके आसपास लोग रहते हैं, इनके पहचान के हो सकते हैं, तो ये पर्सन आपके बारे में मुझे पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी से, ठीक है। ये आपके कलीग भी हो सकते हैं, किसी बहाने ये पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए पूछताछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में जानने को काफ़ी उत्सुक हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। इनकी अनुपस्थिति में, जब ये पर्सन आपके साथ नहीं थे, जब आप दोनों साथ में नहीं थे, तो आपने क्या किया, आपका लाइफ कैसा रहा है इनके बगैर, ठीक है। इस पर्सन का इतना दिमाग नहीं चल रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट कर ले, आपसे पूछ ले कि मेरे बिना तूने क्या किया। नहीं, इतना दिमाग तो इनका चलता नहीं है ना, क्या करें, अकल के मारे हैं थोड़े से, ओके। कोई बात नहीं, बट ये पर्सन किसी से पूछताछ जरूर कर रहे हैं, आपसे नहीं किसी और से, ठीक है। पर पूछताछ जरूर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, कि कहीं आपके लाइफ में किसी और का प्रवेश तो नहीं हो गया है ना। और क्या सोच रही है पर्सन आपके बारे में। कॉन्फ्रेंस कॉल भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। या किसी ग्रुप में ये पर्सन आपको ऐड कर सकते हैं, ओके, या इनका चाल होगा पक्का, ठीक है। अगर किसी ग्रुप में इनके फ्रेंड कोई आपको ऐड करते हैं, ठीक है, तो जान जाइएगा कि इस पर्सन का चाल है, ओके, आपके टच में आने के लिए, आपको अपने टच में रखने के लिए, ओके, आपके टच में रहने के लिए इस पर्सन का चाल है। या अगर किसी ग्रुप में आपको ऐड करते हैं, ओके, या कॉन्फ्रेंस कॉल होती है तो इनकी सोचे समझे साजिश हो गए,
ठीक है। तरह तरह की सोचेंगे ये पर्सन, तरह तरह का ख्याल आएगा इस पर्सन के मन में आपसे बातचीत करने के लिए कि कैसे करें कैसे करें। ऐसे नहीं कि फ़ोन उठाओ और उसको कॉल कर लो या मैसेज कर लो या मिलने को ही चले जाओ, इतना दिमाग तो इनका चलता ही नहीं है। बट इतना ज़रूर चल रहा है कि कैसे बातचीत करूँ, किससे उसका किससे पता करूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कि ऐसे क्या करूँ कि मुझे झुकना भी ना पड़े और उससे बातचीत हो जाए, उससे मिलना हो जाए। इस तरह का षड्यंत्र करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं पर्सन आज सुबह आपके बारे में? फाइव ऑफ कप्स, आप उमेश काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स आए हैं, तो डेफिनेटली गाइस इस पर्सन का विश था, तमन्ना था, तमन्ना है आपके साथ होली खेले, ओके। आपको अपने प्यार के रंग में रंगे, ठीक है। आपको टच करें, आपको हग करें, आपको अपने हाथों से रंग लगाए हैं, बट ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। ये जो ड्रीम था इनका, विश है इनका, कहीं विश ही ना रह जाए, ठीक है। जिस तरह से आप दोनों का सिचुएशन है, नो कांटेक्ट जोन में हो, उस तरह से इस पर्सन को तो यही लग रहा है कि ये जो मेरी ख्वाहिश है ये अधूरी ना हो जाए। मैं उसको रंग लगाना चाहता हूँ, लगाना चाहती हूँ, मैं उसको अपने प्यार में रंगना चाहता हूँ, रंगना चाहती हूँ। तो ये जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसको देख कर इनको यही लग रहा है कि इनकी ये जो ख्वाहिश है आपको रंगने का, कहीं ख्वाहिश ही ना रह जाए। और क्या सोच रही है पर्सन आपके बारे में? काफी ढेर टाइप के आपके पर्सन हैं, आई एम श्योरी आपके पर्सन ना काफी रो लेंगे, तड़प लेंगे, पूछताछ करेंगे, सारी हरकतें करेंगे, रात रात हर जगह आपको याद करेंगे, तड़पेंगे, ठीक है। पूछताछ काफ़ी ज़्यादा करेंगे आपके बारे में, बट ऐसा नहीं है कि आपको ही कांटेक्ट कर ले। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपको कांटेक्ट ना करने का या दूरी बनाने का कोई तीसरा पर्सन हो सकता है गाइस, तो देखिए थर्ड पार्टी कौन है आप दोनों के बीच, ठीक है। इस पर्सन का खुद का माइंड सेट है या कोई और है इस पर्सन की लाइफ में, या किसी तरह का थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना दिन हो गया यार, हम दोनों के बीच बातचीत नहीं हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ वो काफ़ी पेनफुल था, उसने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया, मैंने उसको क्या क्या नहीं कहा, तो अब कैसे कैसे बातचीत करूँ, उसको किस मोड से करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रही है, इस तरह का थोड़ा सा इस तरह का थॉट्स है, ठीक है। लास्ट टाइम बातचीत हुई थी, कितना फाइट हुआ था हमारे बीच, उसने मुझसे क्या कहा था, मैंने उसको क्या कहा था, तो अब कैसे करूँ। करना चाहते हैं बट झिझक काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अगर इस पर्सन ने आपसे फाइट किया या इनसे चीटिंग हुई या किसी तरह का झूठ बोला तो, ठीक है, इस पर्सन ने खुद ही दूरी बनाई तो काफ़ी झिझक रहे हैं ये पर्सन। करना ज़रूर चाहते हैं कि इसे काश आप कॉन्टैक्ट करते इनको, ओके। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी मिल रहा है मुझे। इनके एक्शन देख लेते हैं, आपके पर्सन के एक्शन क्या होगा आपके लिए, साइंस बताऊं क्या? यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 11 3 6 9 5 11 11 11 हो सकता है गाइस आप 11 11 काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। 3 3 10 7 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। साइंस बता देती हूँ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एयर साइन जेमिनाई लिब्रे एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, ओके, और एरिस लियो सेजिटेरियस, सभी साइंस तो आ गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या होगा आपके लिए, आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्या किसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा इस पोली आपको, इनके साइड से किसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा आपको, क्या होगा इनके एक्शन? किंग ऑफ कप्स, क्या यार आपके पर्सन वेटिंग एनर्जी, इंतज़ार करते हुए, आपको इंतज़ार कराते हुए, हमेशा
अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठना और आप पर नज़र गड़ा के रखना। किस मुहूर्त का आखिर ये प्रश्न इंतज़ार करें, मुझे समझ नहीं आते। किस मुहूर्त का, किस शुभ मुहूर्त का, क्या ये जो शुभ मुहूर्त नहीं है, क्या नहीं लग रहा है इनको? तो आपके प्रश्न इंतज़ार करते हुए, आपको इंतज़ार कराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस, ठीक है। प्यार आपसे बहुत करते हैं, बेइंतहा करते हैं, लव काफ़ी ज़्यादा है, भर भर के है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न अपना लव आपको कन्फेस कर दे, आपके सामने एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। आप पर नज़र भी गड़ा कर रखेंगे, ओके, बट आपको कन्फेस कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न ये भी सोच रहे हैं कि काश आप इनकी तरफ आते हैं तो कितना सही होता ना, इस पर्सन के लिए काफ़ी आसान होता अपनी फीलिंग्स कहना, ये कहना कि हाँ मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, चलो साथ में आते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास नया प्रपोजल आ रहा है, ओके, और आपके पर्सन बस बैठे बैठे ताक रहे हैं, झाँक रहे हैं, कहीं आप एक्सेप्ट ना कर लो, इस डर में है, ओके। एक और ये पर्सन आपको जज भी कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कि क्योंकि आप में काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है लव लाइफ में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, तो आप क्या करते हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, कहीं और नहीं जाओगे, ठीक है। कितने भी रूड हो ये पर्सन, कितने भी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, कितना भी इस पर्सन ने अपनी हरकतों, अपने एक्शंस रिएक्शन से आपको हर्ट पहुंचाए है, बट आप इनके हो, ओके, काफ़ी लॉयल ऑनेस्ट हो, तो आप किसी और के साथ नहीं जा सकते, ये इस पर्सन का थॉट्स है, ठीक है। इनके एक्शंस बता देती हूँ, कुछ लोगों को ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, विश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा ऑफर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर आप कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यही एक रास्ता है एक नई शुरुआत होने का, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। और कुछ लोगों को आपको न्यू प्रपोजल मिल रहा है, कोई नए पर्सन आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रपोजल मिल सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं, ओके। और कुछ कुछ लोग लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन हैं आपको प्रपोज कर रहे हैं आपकी ओर, ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे मिली है। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपना ख्याल जरूर रखें, ओके, सेफ होली खेलें, हैप्पी होली गाइस।